कैसे हैं। आज का हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक फार्मूला। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। ठीक है, देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे बेसिक फार्मूला। क्या होता है जी बेसिक फार्मूला? देखिए, इसमें सबसे पहला फार्मूला है आपका कि d/dx कोई कांस्टेंट हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो। जैसे कि मान लो कि 5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी संख्या हो, तो उसका जब भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उसका क्या होता है जी? 0 होता है। अगर दो नंबर, ये तो हो गया, चलिए दो नंबर, अगर d/dx यानी x, यानी यहाँ पे चर, तो चर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद है तीन नंबर कि d/dx ax, यानी कि चर और अचर दोनों आ जाए। क्या होता है चर? जैसे कि मान लीजिए y बराबर आ जाएगा 5x, 2x, 3x, कुछ भी आ जाए, तो जब भी इसका डिफरेंशिएट आप लोग कीजिएगा तो क्या होगा? केवल 5, यहाँ x का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी रूट में हो, क्या हो? रूट में हो, कोई भी फंक्शन हो, तो रूट में हो रूट एक्स का, तो 1/2 रूट जो भी रहेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, पांचवा नंबर है कि 1/x^n हो, 1/x^n हो, तो इसका होता है -n/x^n+1, यानी कि पावर 1 बढ़ जाता है। चलिए सिक्स नंबर है कि यदि x^n हो और बट्टा dx हो, तो क्या होता है? पहले n आता है, फिर पावर में से 1 घटा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए y = x^7 दिया है, तो इसका मतलब कि 7 लिखाएगा यहाँ पे, जब डिफरेंशिएट करेंगे और x^7 में से 1 को कम कर लेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको बताएंगे, सब बताएंगे, एकदम बेसिकली ट्रिक से बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला फार्मूला है सात नंबर कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन, तो होता है 1/x। चलिए अगला है d/a^x। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो है आपका क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। यानी कि अचर के पावर चर हो तो इसका होता है a^x log a e, माने log a टू द बेस e। ठीक है, इतना ही होता है। अब साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। cos x का क्या हो जाएगा? -sin x। d/dx tan x का क्या हो जाएगा? sec²x। d/dx sec x का क्या हो जाएगा? sec x into tan x। d/dx cot x का क्या हो जाएगा? -cos²x। d/dx cos x x का क्या हो जाएगा? तो cos x x का हो जाएगा -cos x into cot x। ये छूट गया था। ठीक है, तो ये रहा सारा फॉर्मूला। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल हम लोग देखेंगे इस पे। तो चलिए हम लोग, तो आइए आप लोग, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल हम कुछ देखते हैं इसमें, जैसे कि अब हम टाइप बाय टाइप आपको बताते हैं। जैसे पहला टाइप देखिए कि वाई बराबर अगर x^5 दिया है। देखिए पावर वाला, यानी कि जब भी आपको पावर वाला मिले तो क्या करना है बाबू आपको? कि d/x^n वाला फार्मूला आपको याद रखना है, n^(n-1)। ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके? x के रिस्पेक्ट में। यानी कि हमको निकालना क्या है यहाँ पे? dy/dx निकालना है। तो देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन wrtx। अब देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नहीं समझ में आए wrt होता क्या है, तो बताते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी में बोले तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो चलिए करते हैं dy/dx d x^5/dx, तो ये हो जाएगा बाबू देखो तो x^n, तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 5 x^5 में से एगो कम।
तो पांच में से एगो कम, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4। दिस इज द आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मतलब ये सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कि y बराबर अगर आपको दे दे यहाँ पे 5x के पावर 4 दे दे, अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया, तो बाबू कोई बात नहीं है, कांस्टेंट को कांस्टेंट वैसे ही रहने देंगे, तो यानी कि डिफरेंशिएशन WRTx dy / dx, 5 को कांस्टेंट रख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका तो x के पावर 4 का / dx, यानी कि 5 हो जाएगा और x के पावर 4। अब देखिए ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, ठीक है, और 4 में से एक कम कर लीजिए यानी कि 3, तो गुना कर लीजिए 20 एक्स के पावर क्यूब। आंसर समझ में आया कि नहीं? हमें तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, अगला एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप टू में। देखिए अगर मान लीजिए 1/x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे बाबू? तो देखिए हम इसको जो भी नीचे में रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, क्या होता है पावर इसका माइनस में हो जाता है, तो ये हो गया x के पावर -1। अब अगर आपको शॉर्टकट बनाना है ना, शॉर्टकट यानी कि ट्रिक से, तो क्या करेंगे इसको हम देखिए बताते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं इधर, इस मेथड से दोनों से बनाएंगे, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा -1 और x, और -1 में -1 जोड़ दो यानी कि -2 हुआ, तो ये हो जाएगा। अब देखो पावर आ गया माइनस में, इसको नीचे लाओ तो -1/x² आया, शॉर्टकट, लेकिन इसको बनाएंगे हम मेथड से, घबराइए मत, चिंता की बात नहीं है। WRTx dy/dx dx के पावर -1/dx, चलिए फार्मूला पे आ जाइए, -1 x के पावर -1 -1, ये तो फार्मूला का हुआ, ये तो माइनस वाला ही हुआ, तो ये -1 x के पावर -2, तो ये आप बताइए जो पावर क्या है माइनस में, इसको प्लस में लाना है तो -1/x², तो आप अब याद रखिएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन 1 -1/x², तो इस तरह से तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन इसके लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया है जो कि विद इन सेकेंड में आपको बना देगा, क्या है तो देखिए क्या होता है फार्मूला, d/dx 1/x⁴n, क्या होता है -n/x⁴n+1, ठीक है। तो अब हम इस पे क्वेश्चन बना देते हैं, देखिए जैसे कि y=1/x⁵ दिया है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTx, यानी कि ये हो जाएगा dy/dx d 1/x⁵dx, तो देखिए बाबू ध्यान से ध्यान से ध्यान इधर इधर उधर नहीं, देखिए x के पावर n यानी कि n का मान 5 यानी कि -5, अब नीचे क्या करना है 5 में को बढ़ा देना है तो x के पावर 6, यही ना आंसर हो जाएगा आपका, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, तो आइए एक और एग्जांपल देख लेती हैं। चलिए देखिए y बराबर मान लीजिए कि कितना दे दे 5/x⁴, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1/x⁴ लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो WRTx तो कितना हो जाएगा dy/dx, 5 का 5 हो जाएगा d1/x⁴dx, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 5, अब बताइए आ गया ना फॉर्मूला पे, -4/x⁵, 5 × 20/x⁵, यही आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज बता दे कि आप लोग इस लॉकडाउन में मन लगाकर घर पे पढ़िए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरा इस नंबर पे 8229016849 इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, और जो भी आपको डाउट होता है इस नंबर पे हमें डाउट का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चों को मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर सो मच।